नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिन्मय चिन्मय गौर और आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, वैसे तो हम सब जानते हैं कि दिवाली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि भगवान राम माता सीता के साथ 14 सालों के वनवास के बाद वापस अयोध्या आए थे। लेकिन कुछ और भी कारण हैं जिन्हें शायद से सब लोग नहीं जानते, तो मैं फटाफट से आपको वो बातें शेयर कर देता हूँ। एक कारण ये भी है, दिवाली के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया और 16,000 कन्याओं को उसके कैद से छुड़ाया था। एक और कहानी ये भी है कि इसी दिन भगवान नर हरि ने हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस का वध किया। और ऐसा भी कहते हैं कि समुद्र मंथन भी इसी दिन हुआ था और लक्ष्मी जी उससे इसी दिन निकली थी। साथ ही में धनतेरस के दिन धनवंतरी जी भी समुद्र मंथन से निकले थे। साथ ही में अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका शिलान्यास भी इसी दिन हुआ था। नेपाल जो है, नेपाल का जो नया साल है इसी दिन से शुरू होता है। और भी कई ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। ये सब मैंने पढ़ा है, हो सकता है कुछ गलती भी हो, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो मैं सीखता हूं मैं वो आपको सिखा देता हूं। तो यही कहूंगा, दिवाली पर मस्त रहिए। दिवाली क्या, हर दिन मस्त रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।